हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे तो चलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ ये तोरण पट्टी का और इसके लिए मैं फोर प्लाई का ऊल ली हूँ और बारह नंबर का क्रोशिया ली हूँ अगर आप लोग ये ऊल यूज़ करने वाले हैं तो आप मैं जो बताई हूँ वो क्रोशिया और वो उल लीजिएगा और टू प्लाई का बनाइएगा तो उसके लिए आप कोई भी कलर का टू प्लाई ऊल और छः नंबर का क्रोशिया लीजिएगा उसके बाद इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वे आइकन दबा दें ताकि आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल जाए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें तो देखिए इसके लिए मैं पहले से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाई हुई हूँ और आप लोगों को यहाँ से डिजाइन बता रही हूँ तो सबसे पहले आप पंद्रह चेन बनाइएगा और एक लाइन डबल क्रोसिया या आपको इच्छा हो तो दो लाइन भी बना सकते हैं दो लाइन डबल क्रोसिया बनाने के बाद ये डिजाइन आप स्टार्ट कीजिएगा तो फिर साइड में देखिए ये मैं तीन डबल क्रोशिया बनाई हुई हूँ तो साइड में आप क्रोशिया से तीन डबल क्रोसिया इस तरह से बना लीजिएगा और फिर यहाँ पर मैं तीन डबल क्रोसिया छोड़ दी हूँ और ये बीच में मैं इस डिज़ाइन को बनाई हूँ तो आप यहाँ पर दो चेन बनाइएगा और तीन डबल क्रोसिया छोड़ने के बाद क्रोसिया की सहायता से आप तीन बार इस तरह से बीच से आप ऊल को खींचिएगा अगर आप टू प्लाई बनाइएगा तो चार बार ऊल को खींचिएगा और इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर दीजिएगा और फिर दो चेन बनाइएगा और फिर इसी जगह सेम आप तीन बार ऊल को खींचिएगा इस तरह से और फिर इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर दीजिएगा और फिर दो चेन बनाइएगा और फिर यहीं सेम इसी जगह पर आप तीन बार ऊल को खींचिएगा और सिंगल क्रोसिया से इसको बंद कर दीजिएगा और फिर दो चैन बनाइएगा और यहाँ इस साइड में आप तीन डबल क्रोशिया इस तरह से डालिएगा तो आप इस डिज़ाइन को तोरण पट्टी में बनाइएगा आपका तोरण पट्टी बहुत सुंदर बनेगा तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बता रही हूँ आप अपने हिसाब से अपना तोरण पट्टी पूरा कीजिएगा तो देखिए एक लाइन मेरा पूरा हो गया है तो मैं दूसरा लाइन बना रही हूँ तो फिर इस साइड में आप इसी डबल क्रोशिया को तीन बार बनाइएगा तीन डबल क्रोसिया बनाने के बाद यहाँ जो चेन डाले हैं वहाँ पर आप सिंगल क्रोसिया से इस तरह से चार बार इसमें बनाइएगा देखिए चार बार इस चेन के अंदर में आपको सिंगल क्रोसिया बनाना है और फिर दो चेन बनाना है और फिर इस बीच में आप डबल क्रोसिया बनाइएगा सिंगल क्रोसिया बनाइएगा इस चेन के अंदर दोनों तरफ आप सिंगल क्रोसिया का यूज कीजिएगा चार बार या पांच बार बना सकते हैं इस और फिर यहाँ पर आप इस डबल क्रोसिया को बनाइएगा साइड में तो ये दूसरा लाइन हुआ और इसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा एक लाइन और दो लाइन फिर दो लाइन में ये डिजाइन पूरा होगा और फिर आपका दूसरा डिजाइन स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोसिया चैन और फिर इस बीच में यहाँ पर जहाँ चेन डाले हैं वहाँ पर इस डिजाइन को तीन बार ऊल को खींचेंगे और सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे और फिर दो चेन बनाएंगे और फिर इसी बीच में तीन बार ऊल को खींचिएगा और सिंगल क्रोसिया से बंद कीजिएगा फिर दो चेन बनाइएगा और फिर इसी सेम जगह पर इस डिजाइन को बनाइएगा तीन बार और फिर दो चेन बनाइएगा और फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाइएगा तो अब मैं एक बार और आपको समझा रही हूँ और एक बार और बता देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए ये तोरण पट्टी बनकर कितना सुंदर लग रहा है तो आप यहाँ से दो लाइन डबल क्रोशिया और तीन साइड में डबल क्रोसिया और फिर ये तीन डबल क्रोसिया छोड़कर इस बीच में आप डालिएगा अगर आप बड़ा तोरण पट्टी बनाइएगा तो फिर यहाँ पर अपने हिसाब से डबल क्रोशिया छोड़ डिजाइन बैठाइएगा तो फिर इस साइड में आप डबल क्रोसिया बनाइएगा और यहाँ जो चेन है उसमें आप सिंगल क्रोसिया चार बार और दो चेन फिर इस चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर साइड में तीन डबल क्रोशिया। तो आप लोग अब से डिजाइन समझ गए होंगे तो अब आप बना लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो इसी डिज़ाइन को आप रिपीट करते हुए अपना तुरंत पट्टी पूरा कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो